अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर नुमान जलील। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आपको लग रहा है कि आज मेरे मास में वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ये बहुत से सवालात हैं कि क्या हमने मास से अपनी जान छुड़ा दी है कि नहीं छुड़ाई, क्या दुनिया में कोई और बीमारी हमारे पास ऐसी तो नहीं आ गई जिससे हम दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग पे या मास्क के ऊपर तो नहीं आ रहे। तो जी हाँ, मैं जो बात करने लगा हूँ, ये मास्क उतार के बात करता हूँ, मैं जो बात करने लगा हूँ, जो दुनिया के अंदर एक नया आउटब्रेक हुआ है जिसका नाम है मंकी वायरस। आज हम मंकी वायरस के बारे में, मंकी पॉक्स जिसका नाम है उसके बारे में, हम मंकी पॉक्स वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या चीज़, और इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं, इस वायरस को मंकी पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं और रिस्क एंड कॉजेस क्या हैं मंकी पॉक्स के, और कितने अरसे तक या अगर किसी को ये मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो वो उस तक इंक्यूबेशन टाइम क्या है या पीरियड क्या है, और किन कंट्रीज़ में अब तक मंकी पॉक्स वायरस जो है वो अपना पंजा गाड़ चुका है, और वो कौन से लोग हैं जिनको ये मंकी पॉक्स वायरस हो चुका है, और क्या प्रिवेंशंस हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या चीज़। ये मंकी पॉक्स वायरस एक वायरल जोनोसिस है। इसका मतलब ये है कि ये एक जानवरों से ट्रांसमिट होता है इंसानों की तरफ, मतलब ये आपको वायरस जानवरों के थ्रू मिलता है जिसके सिम्टम्स जो हैं वो स्मॉल पॉक्स जैसे हैं जो पास में भी रिपोर्ट हुए हैं। जैसे कि इसकी सीवियरिटी जो है वो स्मॉल पॉक्स के मुकाबले में बहुत कम है, बट ये सीवियर कंडीशन पकड़ सकता है। ये कॉज करता है मंकी पॉक्स वायरस, जो कि हमारे पास जिस वजह से करता है उस वायरस या उस जीन का नाम है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मंकी पॉक्स को मंकी पॉक्स क्यों कहा जाता है। तो मंकी पॉक्स जो ओरिजिनेट हुआ है, उसकी डिस्कवरी जो हुई है वो एक मंकी मतलब एक बंदर से वायरस की डिस्कवरी हुई थी, जो डेनिश लेबॉरेटरी के अंदर 1958 के अंदर हुई थी, जो कि पहले इंसान के अंदर रिपोर्ट की गई, जो कि रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो में हुई थी 1970 के अंदर। इट मीन्स ये मंकी पॉक्स वायरस 1970 के अंदर फर्स्ट टाइम एक इंसान के अंदर रिपोर्ट किया गया था। नाउ हम बात करेंगे सिम्टम्स की, बात करेंगे कि अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे मेन सिम्टम्स जो है मंकी पॉक्स वायरस का है वो एक्यूट रैशेस हैं। रैशेस बॉडी पे हो जाते हैं, या अगर आप देखें, मैं कोशिश करूंगा कि इसके साथ तस्वीर भी अटैच कर दूं, तो आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस के रैशेस प्लस आपके पास बड़े बड़े दाने से नुमा बन जाते हैं बॉडी के ऊपर। दूसरी अगर मैं बात करता हूं अब तक के जो सिम्टम्स, एडिशनल सिम्टम्स जो अब तक रिपोर्ट हुए हैं 15 मार्च 2022 बाय WHO, तो उसके अंदर हमारे पास एक सीवियर फीवर की बात हो रही होती है, फीवर आ रहा होता है, और आपके लिम्फ नोड जो हैं वो स्वेलो हो जाते हैं। लिम्फ नोड क्या चीज़ है, लिम्फ नोड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पाए जाते हैं, लाइक नेक में पाए जाते हैं, आर्म पिट में पाए जाते हैं, चेस्ट में, एब्डोमिनल में पाए जाते हैं, जिसे हम बेली पेट कहते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। ये तमाम के तमाम पार्ट्स में ये जो लिम्फ नोड्स हैं इसके अंदर इम्यून के सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी को बनाते हैं और फाइट करते हैं कोई भी आने वाले जो अटैकिंग, जो आपके जर्म्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये लिम्फ नोड्स को स्वेलो करता है, उसको डिस्टर्ब करता है। तीसरी बात अगर की जाए तो हमारे पास मसल्स एंड बॉडी पेन होता है अगर आप मंकी पॉक्स वायरस के अगर उसमें विक्टिम बन चुके हैं। बैक पेन होता है, आपके कमर में पेन होता है, और आपके पास बहुत ज़्यादा आपको वीकनेस भी होती है। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मंकी पॉक्स वायरस से रिलेटेड हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क एंड कॉजेस की, बात करेंगे कि वो क्या रिस्क हैं, वो किस वजह से आपको मंकी पॉक्स वायरस हो सकता है। जैसे कि हमने पहले भी बात कर ली कि मंकी पॉक्स वायरस की ओरिजिनेशन जो है ये एक जोनोसिस वायरस है, जिसका मतलब ये है कि ये एनिमल से ट्रांसफर होता है इंसानों के अंदर, और ये इंसान से इंसान में भी ट्रांसफर होता है। इट मीन सबसे पहला काम तो आपने करना है कि जानवरों से दूर रहना है। जानवर में आपके पालतू जानवर जितने भी हैं, चाहे आपके बिल्ली है या कुत्ता है, डॉग है, कुछ भी है, उन जानवरों से दूर रहना है। और अभी बकरा ईद का भी सीज़न आने वाला है, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा बकरा ईद के लिए मंडियों की तरफ जाते हैं और बहुत से जानवर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, उससे भी आपने अवॉइड करना है। अब जब ये वायरस इंसान को लग जाता है तो इंसान से इंसान को ट्रांसफ़र होता है, फेस टू फेस एक्सपोजर होता है, जैसे कि कोविड के अंदर हम फेस को कवर करते हैं कंटामिनेशन ताकि ना हो दूसरे किसी बॉडी के अंदर। ख़ास तौर पर हमारे पास जो हेल्थ वर्कर हैं जिनका आई कॉन्टैक्ट या रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन होती है उनसे हो सकता है। फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारे पास है स्किन से स्किन का हमारे पास, या किसी जख्म से किसी स्किन का लग जाना, कोई अगर आपको वाउंड है, जख्म है, उससे किसी स्किन का लग जाना, उससे भी ये ट्रांसफर हो सकता है। आपके पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी ये मंकी पॉक्स वायरस जो है वो आपके पास ट्रांसफर होता है।
एक दूसरे के कपड़े पहनना या बेडिंग या दूसरे किसी बिस्तर पे बैठना, तो उससे भी ये मंकी पॉक्स वायरस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरे लोगों के जो अगर कोई विक्टिम है उसके बर्तन में खाना खाने से भी ये, या बर्तन यूज़ करने से भी हम विदाउट वॉशिंग ये फैल सकता है। या ख़ास तौर पर अगर हम बात करते हैं अपने उसकी के जो हम खाना खाते हैं उनको हाफ कुक्ड या प्रॉपरली कुक्ड नहीं होता, ख़ासतौर पर मीट, उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है, जो कि एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है इस मंकी पॉक्स वायरस। अगर किसी शख्स को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो उसको कितने अरसे तक हम आइसोलेट कर सकते हैं या आप कह सकते हैं क्वारंटाइन कर सकते हैं, मतलब मंकी पॉक्स वायरस की क्या लिमिट है। WHO बताता है कि इंक्यूबेशन पीरियड जो मंकी पॉक्स का है वो यूजुअली 6 से लेकर 13 दिन तक का है, मतलब 6-13 डेज का, जो कि रेंज कर सकता है 21 दिन तक भी रेंज कर सकता है कि इसको खत्म होने में, इसकी एक इंक्यूबेशन पीरियड है कि इस हद तक ये खत्म हो सकता है। अब तक बहुत सी कंट्री में मंकी पॉक्स वायरस जो है अलार्मिंग सिचुएशन पकड़ चुका है और अराउंड अब तक की कंडीशन है कि मोर देन 100% जो है वो विक्टिम बन चुके हैं मंकी पॉक्स वायरस के इस वक्त, जो कि एक ड्रास्टिक कंडीशन पे हम जा रहे हैं। खास तौर पे मंकी पॉक्स जो कंट्रीज हैं जहां पर सबसे ज्यादा मंकी पॉक्स हमारे पास रिपोर्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू WHO, बेनिन, कैमरियन, द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन, गाना। गाना के अंदर सिर्फ एनिमल के अंदर रिपोर्ट हुआ है, हमारे पास लिब्रिया है, नाइजीरिया है एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। सो बेसिकली वी शुड अवॉइड ट्रैवलिंग दीज कंट्रीज। अगर हमने इस चीज़ से बचना है, हमने कोरोना से बड़ी मुश्किल से हम निकले हैं इस सिचुएशन से, तो हमें इस चीज़ से बचना है तो हमें इन ट्रैवलिंग रोकनी पड़ेगी अपनी भी, और इन शहरों से आने वाले लोगों को भी रोकना पड़ेगा ताकि ये स्प्रेड आउट ना हो जब तक के इसके अंदर कंडीशन हो। अब बात करेंगे हम पीपल हैव मैक्सिमम चांसेस, वो कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि मंकी पॉक्स वायरस होगा। नॉर्मली मंकी पॉक्स वायरस की बात की जाए तो मंकी पॉक्स वायरस एक सेल लिमिटिंग हमारे पास है जो कि हर इंडिविजुअल को टारगेट कर सकता है, बट सबसे इंपॉर्टेंटली जो जिसको सबसे ज़्यादा टारगेट कर सकता है वो है बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेंस, या वो लोग जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि जो सिम्टम्स हैं उसमें आपके ये लाइम्फ नोड्स को डिस्टर्ब करता है या उसको स्वेलो करता है, जिसके अंदर तमाम के तमाम आपके जो इम्यून सेल को बनाने के काम आता है वो डिस्टर्ब होते हैं। जब इम्यूनिटी आपकी कम होगी, आपकी बॉडी के अंदर उन जर्म से या उन बैक्टीरिया से या उन फॉरेन बॉडीज से फाइट करने की ताकत कम हो जाती है। जब फाइट करने की ताकत कम हो जाती है तो इससे आपकी बॉडी के ऊपर इजीली आसानी से ही आपको कोई भी वायरस अटैक कर सकता है जिससे आप बीमार हो सकते हैं। अब नॉर्मली अगर बात की जाए कि प्रिवेंशंस क्या हैं या प्रिकॉशंस क्या हैं, तो हमें नॉर्मली जितने भी हम नॉर्मली अपनी ऑफिस के अंदर, घर के अंदर हम जो टॉवल्स हैं या क्लॉथ्स हैं, ये आप सेपरेट यूज करें हम, या हम कांटेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कांटेक्ट में ऐसे लोगों के ना आएं कि जो हमारे पास हमारे घर के अंदर नहीं रहते, या हमारे ऑफिस में हम नॉर्मली प्रिकॉशंस वही रखनी है जो कि COVID-19 वाली है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है। दूसरी चीज़ कि एक दूसरे से दूर रहना है। तीसरी चीज़ कि हमने प्रॉपरली अपने कपड़ों को धोना है, ख़ास तौर पर वो बेड शीट्स को धोना है, सोफ़ा शीट्स को धोना है, ताकि एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो सके। अगर कोई भी केस आपको, कोई भी सिम्टम आपको मंकी पॉक्स वायरस का अगर आपको फील होता है तो आपने इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। और अगर आपको फील होता है कि आपकी बॉडी में रैशेस एक्यूट पोजीशन पे चले गए हैं, आपको पेन हो रहा है, आपको बैक पेन हो रहा है, आपकी जिस्म में टूट फूट हो रही है, आपके जिस्म के अंदर कमजोरी हो रही है और आपकी इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना चाहिए और अपने आप को क्वारंटीन कर लेना चाहिए। इन केस ऑफ मंकी पॉक्स अटैक अपने आपको बिल्कुल आपने कर लेना है, और उस वक्त तक आपने अपने आप को आइसोलेट कर लेना जब तक कि आपके जो जख्म हैं मंकी पॉक्स के वो क्रश ना हो जाएं, वो टूट ना जाएं और उनका जो स्क्रैब है वो गिर ना जाए। WHO के मुताबिक रिकमेंडेशन है जो आपके नई स्किन जब तक नहीं आती तब तक आपने अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। और अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, जो आपके स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन है वही इस पर इफेक्टिव है मंकी पॉक्स वायरस पर, बट इसकी नई वैक्सीन भी 2019 के अंदर WHO की तरफ से अगर देखा जाए तो उनकी वेबसाइट में, तो आपको मालूम हो जाए कि नई वैक्सीन भी इनकी लॉन्च हो चुकी है, जो कि इतनी ज़्यादा ट्रायल बेसिस नहीं है, बट स्मॉल पॉक्स जो कि पास के अंदर एक बीमारी रह चुकी है उसकी वैक्सीन भी इसके ऊपर इफेक्टिव है।
आई होप कि आपको मंकी पॉक्स वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये एक नया आउटब्रेक है जो मल्टी कंट्री आउटब्रेक के नाम से भी हम कह सकते हैं उसको। तो हमें बहुत मुश्किल से हम कोरोना वायरस जैसे एक वबा से हम बाहर निकले हैं, तो हमें अवॉइड करना चाहिए, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए। हमें ख़ास तौर पर अभी बकरा ईद आ रही है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइजीन कंडीशन में अपने आप को अपना जानवर का ख़रीदना है तो उस हाइजीन कंडीशन में ख़रीदें। हर जानवर के साथ कॉन्टैक्ट में ना रहें क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे वायरसेस लेके खड़े होते हैं जो कि आपको नजर नहीं आते, और इससे आप ये एक चेन प्रोडक्शन शुरू हो जाती है कि आपसे फिर आपके घर वालों को। तो अपना ख्याल भी रखें, अपने घर वालों का ख्याल भी रखें, जहां आप काम करते हैं उनका भी ख्याल रखें, इर्द गिर्द के तमाम लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। जजाक।